आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनके बस नाम सहारे से ही भवतर जाते हैं, हम सब भवतर जाते हैं। उन दुख हरता भगवान राम की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ जी के भक्तों नहीं थी कोई संतान, इस बात से राजा दशरथ जी रहते थे बड़े परेशान। राजा एक दिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जाकर गुरुवर को अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं। गुरुवर बोले धीरज राखो हम करते हैं इकरार, तेरे घर जन्मेंगे हे दशरथ बालक अद्भुत चाल। जाओ पुत्रेष्ठि यज्ञ का तुम आयोजन करवाओ, फिर शिंग ऋषि के द्वारा उसको पूर्ण करवाओ। फिर अग्निदेव से दशरथ खीर प्रसाद में पाते हैं, कौशल्या सुमित्रा के कई ने प्रसाद को खाया है। गर्भवती हुई है रानी राजा हर्षाया है। वक्त गुजर गया यूं ही समय का पता न चल पाया, राजा दशरथ को चाहत जिसकी शुभ दिन वो आया। सब देवगण आए हुए थे प्यारी थी बेला, अवधपुरी में लगा हुआ था भक्तों का रेला। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवी तिथि थी, चारों तरफ थी खुशियां छाई रहे नगाड़े बाए। उसी समय प्रभु ले अवतार घर पर आते हैं, एक साथ हुए पुत्र चार सब सत्य हुई वाणी। खुशी से झूम रहे थे दशरथ और तीनों रानी। दशरथ के आंगन में चारों ही धाम पधारे हैं, राम के संग में भरत शत्रुघ्न लखन पधारे हैं। चारों बालक अपने अपने खेल दिखाने लगे, तरह तरह की क्रीडाओं से सबको रिझाने लगे। राम की लीला नारी है कोई जान नहीं पाया, जग के पालनहारी को पहचान नहीं पाया। एक दिन राम जी कौशल्या को लीला दिखाते हैं, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख।
जाके राम को पालन में माँ मंदिर जाती है। मंदिर में प्रभु राम को माता बैठा पाती है। राम को देख वहाँ पर माँ वापस घर आई है। देखा राम को सोया फिर तो माँ घबराई है। यहाँ भी राम है वहाँ भी राम है कैसी माया है। दो जग है प्रभु राम को देखा दिल घबराया है। माँ की हालत देख मधुर मुस्कान से हंस दिए राम। हे राम तुम्हारी लीला पर बलिहारी चारों धाम। फिर प्रभु माता तो अद्भुत से रूप दिखाते हैं। ये रूप दिखा कर राम जी फिर बालक बन जाते हैं। ये बात किसी से ना कहना माँ को समझाते हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं पैजनिया बजती है। बाल रूप की सारी सृष्टि वंदना करती है। बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। थोड़े समय में रघुवर सब विद्या पा जाते हैं। शिक्षा पाकर चारों भाई वापस आए हैं। धनुष बाण कांधे पर सबके मन को भाए हैं। नित नए नए प्रभु जी सबको खेल दिखाते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पर विश्वामित्र आए। मुनिवर के आने से राजा दशरथ हर्षाए। दशरथ जी ने मुनिवर का आदर सत्कार किया। बोले मेरे घर आकर तुमने उपकार किया। मुनिवर बोले कुछ दुष्टों का बड़ा सताया हूँ, इसलिए मैं अब राम लखन को लेने आया हूँ। राम में उनके प्राण थे ऐसे कैसे भेज देते। वचन दिया था दशरथ ने फिर ना कैसे कहते। राम लखन को गुरु के संग में भेजे जाते हैं। रस्ते में मुनिवर ने राम को ताड़ का दिखलाई। क्रोध में भर कर ताड़ का फिर श्री राम की ओर आई। एक बाण से ताड़ का को श्री राम ने मार दिया। दीन जान कर उसको अपने धाम था भेज दिया। निर्भय होकर कर ये यज्ञ गुरुवर से कहते हैं। स्वयं धनुष ले रघुवर फिर रखवारी करते हैं।
मारीच को एक बाण से सागर पार किया। सुबाहु असुर को अग्नि बाण से राम ने मार दिया। विश्वामित्र के यज्ञ को रघुवर पूर्ण कराते हैं। फिर विश्वामित्र के संग राम मिथिला को चलते हैं। रस्ते में वो अहिल्या का उद्धार भी करते हैं। पहुँच के मिथिला नगर जनक के प्राण जगाए हैं। उनकी चौकट पर प्रभु शुभ चरण लगाए हैं। राम लखन को देख जनक को खुशी हुई भारी। हो गए जनक तो धन्य धन्य घर आए अवतारी। फिर सुबह हुई गुरु पूजा के पुष्प भिलाने थे। गुरुवर को पूजा में भक्तों पुष्प चढ़ाने थे। फूलों को लेने राम उपवन में आते हैं। उसी बगीचे में सखियों संग सीता आती है। मधुर सुरीली वाणी में गीतों को गाती है। राम सिया ने वहाँ एक दूजे को फिर देख लिया। शक्ति ने शक्ति को अब भक्तों पहचान लिया। फिर मंदिर जा गोरा का सिया ध्यान लगाई है। आशीष राम को पाने की फिर सीता पाई है। फूलों को लाकर गुरुवर के चरणों में दिया। सफल मनोरथ पूर्ण हो ये आशीर्वाद लिया। गुरु के संग में राम प्रभु स्वयंवर में आते हैं। एक से एक बड़े योद्धा स्वयंवर में बैठे थे। सारे के सारे योद्धा फिर बल पर बैठे थे। फिर भाटों ने राजा जनक के प्रण को सुनाया है। धनुष तोड़ना था वहां पर धनुष दिखाया है। महाराज का कहना है जो धनुष को तोड़ेगा बीच सभा में सीता से वो नाता जोड़ेगा। बारी बारी आकर राजा जोर लगाते हैं। मगर धनुष को वो तो जरा ही ला ना पाते हैं। महादेव के धनुष को योद्धा तोड़ न पाते हैं।
धनुष किसी से नहीं टूटा तो जनक जी कहते हैं। क्या इस धरती पर अब भगवान योद्धा न रहते हैं। विश्वामित्र जी राम प्रभु को आज्ञा देते हैं। आज्ञा पाकर दुर्वर की प्रभु धनुष उठाते हैं। बातों ही बातों में प्रभु ने डोर चढ़ाई है। एक बार सिया की ओर प्रभु नजर घुमाई है। एक क्षण के अंदर दिव्य धनुष को तोड़ दिया। बीच सभा में सीता से फिर नाता जोड़ लिया। देख सभी के नैना अचरज से भर जाते हैं। दशरथ के प्राण का सल्ला सुत की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। सखियों संग आसीता ने माला पहनाई है। देवों ने मिलके राम सिया जय जय बुलाई है। फिर आते हैं परशुराम और आते ही बोले, जिसने तोड़ा है धनुष वो जिव्या को खोले। परशुराम फिर राम प्रभु पर गुस्सा करते हैं। समझाते हैं राम मगर उनकी नहीं सुनते हैं। परशुराम विष्णु के धनुष को राम को देते हैं। धनुआ पर तुम बाण चढ़ाओ राम से कहते हैं। धनुष को लेकर रघुराई फिर बाण चढ़ाते हैं। राम ही नारायण है परशुराम ने जान लिया। जमदग्नि के पुत्र ने रघुवर को पहचान लिया। राम से बोले क्षमा करो प्रभु मैं हूँ अज्ञानी। दीनहीन मैं रघुवर जी और तुम हो वरदानी। मुनि जनक से बोले दूत अवध को भिजवाओ। बारात सहित फिर दशरथ को यहाँ पे बुलवाओ। बारात सहित दशरथ जी आए खुशी हुई भारी। राम लखन को देख के मन की प्यास बुझी सारी। फिर राम लखन को दशरथ अपने गले लगाते हैं। मंडप बन गया मध्य में वेदी सुंदर बनवाई। पुष्पों से फूलों से फिर वो वेदी सजवाई। देव सभी थे आ पहुँचे ये विवाह देखने को। राम का सीता जी के संग में ब्याह को देखने को। जनक ने सीता जी का फिर कन्या दान थकिया। रघुराई ने हाथों में सीता का हाथ लिया।
भावर पड़ गए आसमान से फूल बरसने लगे। जोर जोर से ढोल नगाड़े बाजे बजने लगे। सभी देवगण राम सिया के गुण को गाते हैं। दशरथ के प्राण का सल्ला सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन। यही लखन का उर्मिला के संग में विवाह हुआ। भक्त जनों श्री भरत कमांडवी के संग ब्याह हुआ। शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति के संग विवाह हुआ। देवों ने पुष्प थे बरसाए और मंगल गान हुआ। जनक से लेकर विदा सभी फिर अवध में आते हैं। अवधपुरी के लोग झूम कर खुशी मनाते हैं। माताएं बहुओं को अपने गले लगाती हैं। वेद विधान से बहुओं की पूजा करवाती हैं। आसमान से देवता फूलों को बरसाते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों ही मामा के यहाँ गए। राम अवध में रहे, लखन भी उनके संग रहे। गुरु वशिष्ठ से दशरथ एक दिन ये कहते हैं बात, मैं बूढ़ा हो गया, राज्य को दे दो राम के हाथ। शुभ दिन देखो गुरुवर, जिस दिन राज तिलक होगा। अवध की नगरी का अब से राजा तो राम होगा। ये खबर फैली, अवध में खुशियां छाई हैं। महलों में पहुंची खबर, माता हर्षाई है। गुरु वशिष्ठ फिर राम को कुछ बातें समझाते हैं। दशरथ के प्राण का सल्ला सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। फिर मंत्र को मालूम हुआ के कई सिखाई है। अपने तीखे बाणों से मन में आग लगाई है। फिर कोप भवन में जाले टीके कई बहाना कर, लगे मनाने दशरथ जी के कई को आकर। दो वर मांगे थे रानी ने पहले भरत को राज, दूजे वर में राम को 14 वर्ष का हो बनवास। दशरथ बोले के कैसे ये जान हमारी लो, श्री राम को वन मत भेजो, दौलत सारी लो। के कई ना मानी दशरथ, खूब उसे समझाते हैं। भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम।
पिता की सुनकर बात राम जी वहां पे थे आए। कैकई ने फिर राम को दोनों वचन थे सुनाए। रघुवर बोले पिता जीवन को जाने दो मुझको, जो माता की आज्ञा है पूरी करने दो मुझको। पता चला लोगों को बोले समय क्या आया है, अमृत दिखा विधाता ने फिर जहर पिलाया है। राम की माया राम ही जाने और न जाने कोई, राम की करनी कौन फिरावे जो चाहे सो होई। राम सिया और लखन तीनों ही वन को जाते हैं। दशरथ के प्राण कौशल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। रामचंद्र क्या गए अवध से, सूरज चला गया। माताओं की सांस पिता का जीवन चला गया। तमसा तट पर किया विश्राम आगे की ओर चले। संग आए थे उनसे रघुवर नाता तोड़ चले। रघुराई आगे गंगा के तट पर आते हैं। लखन सिया को गंगा जी की कथा सुनाते हैं। एक बात को बता दे खास लगा कर ध्यान सुनो, रघुराई का केवट से गंगा पे मिलना सुनो। प्रभु प्रेम के वश केवट से चरण धुलाते हैं। केवट को मालूम था घाट पे राम जी आएंगे। एक दिन दीनानाथ दया कर पार लगाएंगे। केवट ने धोकर चरण फिर नाव चलाई है। मंद मंद आवाज में राम की लीला गाई है। हे रघुराई केवट भक्त को तार दिया तुमने, अटकी नाव थी बीच में उसको पार किया तुमने। राम से केवट ने निर्मल भक्ति का वर पाया। हे दीन दयाल हे दीनानाथ अद्भुत तेरी माया। राम पतित इन चरणों में पावन हो जाते हैं। रघुराई फिर शिव गणेश का ध्यान लगाते हैं। गंगा को करके नमन आगे बढ़ जाते हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच गए श्री राम। ऋषिवर बोले धन्य हुआ घर आए चारों धाम। ऋषिवर बोले राम आज मेरी साधना सफल हुई, पाके तुम्हारे दर्शन तो आराधना सफल हुई।
राम लखन सिया जा पहुँचे यमुना नदी के पार। राम प्रभु के दर्शन पाने आई भीड़ अपार। करके प्रभु के दर्श स्वयं को धन्य बताते हैं। दशरथ के प्राण कौसल्या सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। जिस गांव नगर से राम लखन सिया होकर जाते हैं, दर्शन पाने को नगर निवासी दौड़ के आते हैं। फिर श्री राम प्रभु वाल्मीकि के आश्रम आए हैं, ये देख के ऋषिवर मन ही मन भक्तों हर्षाए हैं। फिर श्री राम जी वाल्मीकि से कहते हैं ये बात, हम कहाँ बनाए कुटिया अपनी हमें बताओ ना। ऋषिवर ने करके प्रणाम कहा, प्रभु कहाँ नहीं है आप, हर जगह समाए हो प्रभु सारे जग के तुम हो ना। भक्त तुम्हें अपने हृदय में सदा बसाते हैं। फिर चित्रकूट के बारे में ऋषिवर बतलाते हैं, सीता लखन को ले रघुवर पर्वत पे जाते हैं। भीलों का धर रूप देवता वहाँ पे आने लगे, राम प्रभु के लिए वहाँ पर कुटिया बनाने लगे। देवों ने मिलकर प्यार से कुटी बनाई थी, भील रूप में देवों की करी राम विदाई थी। सिया लखन के संग राम जी कुटिया में रहने लगे, चारों तरफ सुखद मन भावन झरने बहने लगे। देवगण सभी जगत पिता को शीश नवाते हैं। धर अवध में राम की सबको याद सताती है, मात पिता को भक्त जनों दिन रात रुलाती है। राम के बिन राजा दशरथ का मुश्किल था जीना, दुख के मारे फटा जा रहा था उनका सीना। राम राम कहते राजा ने जीवन त्याग दिया, राम प्रभु से दशरथ ने सच्चा अनुराग किया। भरत बुलाए गए उन्हें फिर शोक हुआ भारी, सुनकर सारी बात भरत ने माता धिक्कारी। राम को करके याद भरत जी रोते जाते हैं।
वशिष्ठ भरत से बोले राज संभालो तुम। राज काज का कह कई नंदन भार उठा लो तुम। रो रो कर बोले भरत मुझको नहीं लेना राज, मुझे सदा ही प्रभु चरणों से करना है बस काज। भरत जी बोले रघुवर को मुझे वापस लाना है, उन्हीं को आकर अवधपुरी का राज चलाना है। चित्रकूट में गए भरत और धीरज खोने लगे, भैया वापस चलो भरत ये कहकर रोने लगे। राम प्रभु फिर भरत को प्यार से ये समझाते हैं, दशरथ के प्राण का सल्ला सुत की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम, हे दुख भंजन श्री राम। रघुवर बोले भरत से रघुकुल रीत चली आई, प्राण चले जाए भैया पर वचन नहीं जाए। माता की इच्छा वचन पिता का पूर्ण करना है, अवधपुरी का राज भरत तुम ही को चलाना है। चरण खड़ाऊ लेकर भरत जी वापस आते हैं, राज सिंहासन पर रख कर फिर राज चलाते हैं। प्रेम देख कर देवों ने भी शीश झुकाए हैं, राम के संग में भरत के भी सभी ने गुण गाए हैं। सुनो तुम्हें एक और प्रभु की लीला सुनाते हैं, बनकर इंद्र का सुत था चित्रकूट आया। रघुवर की शक्ति देखने का मन में विचार आया, सीता के चरणों में अपनी चोंच को थी मारी, इससे माता सीता को भक्तों दर्द हुआ भारी। राम प्रभु ने देखा रक्त धनुष पे चढ़ाया बाण, कौआ वायु वेग से भागा बचा के अपने प्राण। कौए ने मृत्यु को देखा दौड़ लगाई है, जान बूझ कर खुद ही अपनी मौत बुलाई है। उसे मारने रघुवर भक्तों बाण चलाते हैं, में उसे किसी ने पास न बिठलाया। चारों तरफ देखा मृत्यु को कौआ घबराया। नारद जी ने कहा राम जी तो कृपालु है, तू उन्हीं की शरण में वापस जा, वो बड़े दयालु हैं। फिर कौआ लौट के राम जी के चरणों में आता है, क्षमा मांगता है रघुवर से रोता जाता है।
रघुवर ने उस कौवे को दे जीवन दान दिया। एक नेत्र को फोड़ के रघुवर ने कल्याण किया। जगत पिता जगदीश तुम्हें हम शीश नवाते हैं।